स्टूडेंट्स का एस्टरडे लेसन एट पार्ट वन पढ़ा था प्राइड हाथे फल घमंडी का घमंड गिर गया ठीक है आज उसका नेक्स्ट पढ़ेंगे कल क्या हुआ था इसमें एक क्रो था जो समुद्र के पास रहता था ठीक है और है ना उसको है ना अपने पावर पर अपने कलर पर और अपने क्लेवन चतुराई पर बहुत घमंड था ठीक है तो वन डे तो उसने क्या करा एक दिन वो अपने खाने की तलाश में की, आ, समुद्र के पास आ, समुद्र के किनारे उधर गया तो क्या कब पक्षी क्या खाते हैं बेटा कीड़े मकोड़े खाते हैं तो वहाँ गया तो उसने सोचा कि कुछ कीड़े मकोड़े मिलेंगे तो मैं खा लूँगा पर उसने वहाँ पर क्या देखा फ्लोक ऑफ गीस गीस का मतलब क्या होता है घूस मतलब एक बतख ठीक है और बहुत सारे रहेंगे तो गीस तो वहाँ पर उसने बहुत सारे बतख कलहंस को देखे हैं ठीक है तो उसने फिर उनको क्या बोला कि तुम कितने क्लमसी हो और तुम कितने गंदे दिखते हो लार्ज हो और देखो मैं कितना मतलब सुंदर हूँ और मैं कितना अच्छा दिखता हूँ क्योंकि उसको अपने आप पर घमंड था इसलिए वो आ, गीस गीस को कमेंट्स करने लगा ठीक है उसके बाद उसने है ना अलग अलग तरह के ट्रिक्स अपनाए उनको मतलब परेशान करने के लिए फिर उस, क्योंकि वो तो मूड में ही था कि वो इससे इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करना चाहता था ठीक है उसके बाद क्या हुआ फिर वो है ना पाम ट्री के ऊपर भी खड़ा बैठ गया वहाँ भी उसने मतलब राउंड सर्किल में जो जो उसके ट्रिक्स आते थे वो उनको दिखाने लगा कि ये लोग मतलब आ, जैसे कोई ज़्यादा परेशान करता तो लड़ने लड़ने के मूड में था ना वो तो उसने सोचा कि मैं इनको ज़्यादा कमेंट्स करूंगा कुछ करूँगा तो कुछ बोले ही नहीं परूस ने गीस ने कुछ कहा था क्या बोला था क्या नहीं क्योंकि वो सोच वो इन फालतू बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे और अपने वो नहा रहे थे ठीक है समुद्र में उसके बाद उसने सोचा कि है ना अब ये कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो फिर उसने क्या करा कि चैलेंज रखी किसने रखी कौवे ने कि अगर इसमें से कोई भी मतलब गूस आके मेरी चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कौन सी चैलेंज एक्सेप्ट करी थी कौन सी चैलेंज रखी थी उड़ने वाली कि कौन मतलब मेरे साथ उड़ सकता है तो एक उसमें से ओल्ड गूस आया जो बहुत बुजुर्ग था वो गूस आया और उसने बोला कि ठीक है मैं आपकी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ पर मैं ओल्ड हूँ बहुत बुढ़ा हूँ पर उसने बोला कि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है अगर तुम्हें मुझे चे, मेरी चैलेंज एक्सेप्ट हो तो तुम आगे आओ तो एक गुस्स उसमें से आया और उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ली ठीक है फिर वो बहुत आसमान तक उड़ते गए उड़ते गए वो एक बतख भी उड़ते गया और कौवा भी उड़ते गया पर है ना आधे बहुत दूर जाने के बाद है ना कौवा थक गया क्या हो गया कौवे को दे फ्लू ऑन एंड ऑन टिल दे हैड लेफ्ट द लैंड फारि फार बिहान जब उन्होंने नीचे क्योंकि जब नीचे धीरे धीरे नीचे उड़ते तो नीचे तो पानी भी नहीं था मतलब समुद्र दिख रहा था पर उन्होंने क्या करा और ऊपर ऊपर उड़ते गए तो जो समुद्र था और जो नदी मतलब जमीन थी वो उनको दिखाई नहीं दे रही थी और अब वो ऊपर चले गए थे बहुत ऊपर चले गए थे द क्रो वॉज गेटिंग टायर्ड ही लुक डाउन देर वॉज वाटर ऑल अराउंड ओनली वाटर एंड नथिंग एल्स जब उन्होंने देखा कि बता घूस और कौवा है ना ऊपर उड़ते गए उड़ते गए और जहाँ ज़मीन पर थे वहाँ से और आगे निकल गए तो उनको आसमान ऊपर से क्या दिख रहा था बस पानी ही पानी उनको दिख रहा था और ज़मीन तो दिख ही नहीं रहती ही गॉट टेरिफाइड नाउ ही स्टॉप्ड पासिंग कमेंट्स ऑन द गूस एंड सिंपली फ्लू आवे अब उसने सोच लिया कि भैया कि गुस्स भी बहुत आसमान तक उड़ सकते हैं और ऊपर तक उड़ सकते हैं तो उसने पहले तो कितना कमेंट्स कर रहा था उनको बहुत परेशान कर रहा था पर अभी उसने सोचा कि उसने कुछ नहीं क्योंकि वो भी अब अंदर से डर गया था कि क्या पता मैं उड़ सकूँगा या नहीं उड़ सकूँगा और वो डर गया और उसने कमेंट्स करना कमेंट्स पास करना बंद कर दिए एज टाइम पास द क्रो ग्रीव मोर एंड मोर टायर्ड टिल ही कुड हार्डली फ्लैप हिज विंग्स अब पक्षी अब आसमान में उड़ रहे थे कौवा उड़ रहा था तो अपने पंख वो तो फैलाना पड़ ऐसे मारना ही पड़ते ना उड़ाना पड़ते तो है ना उड़ा रहा था तो अब वो थक गया था उसके पंख ही मतलब हेल्प कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उड़ने में मदद कर ही नहीं पा रहे थे बट द गूज फ्लू ऑन एंड एज ग्रेसफुल एज एवर अब वो जो बतख था वो तो आराम से उड़ते था क्योंकि वो तो थका ही नहीं था वेन द क्रो वॉज कम्प्लीटली एग्जॉटेड ही सेट टू द गूस जब वो बहुत थक चुका था कौवा तो उसने गुस्स से कह दिया अरे गुस्सी वेन शेल वी रीच लैंड अब उसने बोला कि अपन ज़मीन पर कब जाएंगे इन ए फ्यू डेज प्रोबली तो उसने गूस ने क्या बोला थोड़े दिनों में अपन नीचे चले जाएंगे द गूस रिप्लाई कामली उसने साइलेंट धीरे से कहा बट वाई डू यू आस्क सो तो फिर उसने गुस्स ने बोला बतक ने बोला कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे कि अपन नीचे कब जाएंगे आई एम फीलिंग अवे फुली अवे फुल्ली टायर्ड सेट द क्रो तो कौवे ने बोल दिया कि मैं बहुत थक चुका हूँ अब मैं नहीं उड़ सकता आई डोंट थिंक आई हैव अनदर फ्लैप लेफ्ट इन माई हैंड्स अब वो पंख जैसे पक्षी उड़ते तो पंख ऐसे हिला हिला के उड़ते हैं ना आसमान में बोटा तो उसने बोला कि अब मैं नहीं दूसरा पंख मतलब अब अब नहीं उड़ सकता मैं सो आई वॉन्ट वाई डोंट यू ट्राई सम ऑफ द एक्रोबोटिक्स तो जो गूस था क्योंकि उसको ऐसा उनको पता था कि इसने हम लोग को बहुत परेशान करा है तो उसने बोला कि और कमेंट्स करो और तुमको जो भी ट्रिक्स आते हैं जैसे उड़ना और पैर वैर मतलब ऐसे पंख पंख हिला के जैसे भी करना था वैसे करो इट वुड बी परिवर विंग्स न्यू विग है तो उसने बोला कि तुम तुमको जो जो और ट्रिक्स आते हैं अपनाई करो तुमको पंखों में शक्ति मिल जाएगी और तुम और उड़ सकोगे द गूस स्माइलिंगली सेट स्माइलिंगली बट द क्रो वॉज नॉट इवन ये पोजिशन टू टॉक एनी मोर क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत थक चुका था तो उसने कोई कमेंट्स भी नहीं करे और उसको जो भी ट्रिक्स आ रहे थे उनको परेशान करने के लिए उसने कुछ भी नहीं बोला सींग द पिटेबल कंडीशन ऑफ द क्रो द गूस हार्ट फील्ड विद पिटी अब जैसे ही उसको क्योंकि कौवा तो बहुत थक चुका था तो जैसे ही गूस ने कौा को देखा तो उसके मन में दया सीआ है कभी कभी अपने को होता ना कि कोई ज़्यादा परेशान हो रहा है ज़्यादा कुछ हो रहा है तो अपने मन में थोड़ी दया सी आ आती तो उसको उसके ऊपर दया आ गई कि अरे यार इसको क्या हो रहा है डो वन थिंग सेट द दूस काइंडली उसने बोला कि सुनो मेरी बात और एक बात सीट ऑन माई विंग्स एंड आई शैल फ्लाई विथ यू अक्रॉस द सी बैक टू वेयर वी केम फ्रॉम तो मेरे पंखों पर बैठ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ पंखों का पंख के ऊपर मैं तुम्हें अपने जहाँ से बनाए थे वहाँ ले चलते हैं क्योंकि इतना अगर और दूसरा कोई होता इतना उसने परेशान करा गूस को तो वो कोई हेल्प करते क्या नहीं पर गूस ने बोल दिया कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूँगा आप मेरे पंखों पर बैठ जाओ दुअर क्रो बस मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ वेन एवर ही हैड अनदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द ऑफर ही सैट ऑन द क्लमसी विंग्स ऑफ द घूस अब क्योंकि वो उसको शर्म शर्मिंदगी महसूस हो गई क्यों क्यों हो गई क्योंकि देखो गु, गु, आ, क्रो ने इतना परेशान करा घूस को कितने सारे कमेंट्स करे कितना मतलब उसको सबको बोला फिर भी उन्होंने ऐसा करा कि उनकी हेल्प करना छोड़ दी क्या नहीं उसने उसकी हेल्प करी तो इसीलिए उसको क्योंकि उसको कितना घमंड था कौए को कि नहीं मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ करके उसने कितना बोला था कि मुझे मेरा कलर अच्छा है तुम तो ऐसे दिखते हो सब बोला था कि नहीं बोला था पर फिर भी कौ बतख ने उसकी हेल्प करी थी कि नहीं करी थी करी थी ड बैंड इन शेम क्योंकि अब वो शर्मिंदा शर्मिंदी शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसको लगा देखो मैंने इतना करने के बाद भी बतक ने मेरी हेल्प करी वेन दे रीच बैक होम द गीस वेटिंग ऑन लैंड वेर सरप्राइज टू सी हम्बल क्रो सिटिंग ऑन द ओल्ड गीस अब जैसे ही वो लोग नीचे आए आसमान से उतर के तो जो दूसरे बाकी गीस थे वो देखने लगे और आश्चर्य हो गए कि ये क्रो गूस के ऊपर बैठा बैठ के आ रहा है द क्रो लर्न नेवर टू बूस्ट अगेन अब क्रो को सबक मिल गया कि अपने को कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और कभी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे आ, मुझे सब आता सब आता है या मैं मतलब अच्छा हूँ और मैं बहुत चतुर हूँ ऐसा कभी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए कभी कभी घमंड गिर जाता है ठीक है ओके स्टूडेंट्स लेसन इज कम्प्लीटेड